हेलो स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सीरीज का वीडियो लेक्चर सेकेंड है। आज हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनीशन एंड एग्जांपल, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। एक ही केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो तो वैसा केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इन ए केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर्स ऑलवेज साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। Fe3O4 सॉलिड स्टेट में रहेगा प्लस एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में रहेगा। ये Fe सॉलिड प्लस Al2O3 का फॉर्मेशन करता है जो सॉलिड स्टेट में होगा। अब इस केमिकल रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड डेवलप होता है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहाँ पे अभी हम बैलेंस कर दे रहे हैं। Fe3O4 के पीछे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें Fe3×3=9 एटम्स दे देगा एंड ऑक्सीजन 3×4=12। यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन एटम्स 12 एरो के राइट में भी दिख रहा है और एरो के लेफ्ट में भी दिख रहा है। तो ऑक्सीजन एटम्स भी बैलेंस हो गया है, आयरन एटम्स भी बैलेंस हो गया है। अब एल्युमिनियम का नंबर है, एल्युमिनियम राइट में दिख रहा है 4×2=8। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया है। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग को देखना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। देखते हैं, आयरन से ऑक्सीजन आइटम का रिमूवल हुआ है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस केस में आयरन का रिडक्शन हुआ है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। MgO इसका 2 मोल लेते हैं, सॉलिड स्टेट में होगा। ये Mg प्लस O2 में डिसोसिएट करेगा, Mg का 2 मोल आ जाएगा। ये गैसियस स्टेट में होगा, ये
सॉलिड स्टेट में आएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और O2 के फॉर्म में जो है सो डिसोसिएट करता है। किस केमिकल रिएक्शन में? मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। एरो को लेफ्ट में देख रहा है कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन एरो के राइट में दिख रहा है कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, मैग्नीशियम का रिडक्शन हुआ है। एंड ऑक्सीजन का इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम का रिडक्शन हुआ है अंडर दिस रिएक्शन। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कैसे? तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कहलाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करें या फिर गेन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, वैसा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, Mg प्लस O2 इसका फॉर्मेशन करेगा, MgO 2 मोल, इसके पीछे 2 मोल ले लेते हैं। अब मैग्नीशियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। इस केस में मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो s ऑर्बिटल में है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है और 4 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में है। मैग्नीशियम क्या करेगा? अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करके नियॉन के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, नियॉन में कन्वर्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी जो है सो नियॉन के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे 2 निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर चार्ज के थ्रू हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, वैसा केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। अब चूँकि मैग्नीशियम एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है। एंड ऑक्सीजन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और अगर चार्ज डिक्रीज करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज डिक्रीज करे यानी निगेटिव में चार्ज डेवलप हो किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल पे, तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीजन का इस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है। दो टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स या एटम्स या ग्रुप
या ग्रोथ लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कहलाएगा मॉलिक्यूल्स एटम्स और ग्रुप्स केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा तो लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा और निगेटिव चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, Fe टू प्लस ये Fe 3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन जो है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दो पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है और एरो के राइट में दिख रहे हैं कि आयरन एक इलेक्ट्रॉन को और लॉस करके प्लस टू से प्लस थ्री में कन्वर्ट हो गया है। तो आयरन आयन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, MnO4 टू माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 वन माइनस इस केमिकल रिएक्शन में और प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। इस केमिकल रिएक्शन में एरो के लेफ्ट में दिख रहे हैं कि MnO4 टू माइनस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, लॉस करने से इस पे जो एरो के लेफ्ट में दिख रहा था कि दो माइनस है वो वन माइनस में कन्वर्ट हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और निगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, निगेटिव चार्ज का डिक्रीजमेंट हुआ है, डिक्रीज कर जाएगा। इस केमिकल रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो मैग्नीज का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडेशन, चूंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो MnO4 टू माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कॉपर टू प्लस में कन्वर्ट करता है और दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, कॉपर टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर कॉपर जीरो चार्ज को रख रहा था और यहाँ पर प्लस टू चार्ज दिख रहा है, जीरो से दो यूनिट बढ़ गया है, इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीजमेंट होने से ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। देखते हैं, हेडिंग लगाना है यहाँ पे, रिड्यूसिंग
agent reducing agent kya hota hai species जो loss of electron करता है loss of electron होने से उसका loss of electron होने से species का oxidation होगा और जिस भी species का oxidation होगा वही reducing species कहलाएंगे देखते हैं the species species which undergo the loss of electrons during chemical reaction केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा और जिस भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वही स्पीशीज क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा एग्जांपल इन एवव रिएक्शन ऊपर के रिएक्शन में जैसे Fe 2 प्लस आयन Fe 3 प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ है एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है लॉस किया है लॉस होने से आयरन 2 प्लस का ऑक्सीडेशन होके आयरन 3 प्लस में कन्वर्ट हो गया है नेक्स्ट रिएक्शन जो MnO4 2 माइनस पर मैग्नेट आयन है सॉरी मैग्नेट आयन है जो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके MnO4 1 माइनस में कन्वर्ट हो गया है ये पर मैग्नेट आयन है तो इसमें मॉलिक्यूल्स का देख रहे हैं कि एरो के लेफ्ट में माइनस टू चार्ज था जो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और लॉस करने के बाद माइनस वन चार्ज में कन्वर्ट हो गया इसमें इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा या फिर Fe2+ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ क्या कहलाएगा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट एंड जिसका रिडक्शन होगा वैसा स्पीशीज क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एग्जांपल में देखते हैं इसमें Fe 2 प्लस कॉमा MnO4 2 माइनस कॉमा Cu ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन क्या होता है रिडक्शन द मॉलिक्यूल्स या एटम्स या ग्रुप्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन chemical reaction during the chemical reaction is called as reduction chemical reaction के द्वारा जो भी molecule हो या atoms हो या फिर groups of atoms हो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से उस पे नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा और वैसा
मॉलिक्यूल्स एटम्स या फिर ग्रुप रिडक्शन ग्रुप कहलाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल्स इसका, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से मॉलिक्यूल्स एटम या फिर आयन पे निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एटम्स मॉलिक्यूल और आयन्स का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या होगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा, लेकिन रिडक्शन में उसका उल्टा होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा था, लेकिन रिडक्शन के केस में उसका उल्टा होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करने के बाद Ag में कन्वर्ट हो गया। इस केमिकल रिएक्शन में क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाएगा, प्लस वन से जीरो में चला जाएगा। और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीजमेंट हो रहा हो जिस भी एटम्स मॉलिक्यूल या फिर आयन का, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसमें डिक्रीज कर रहा है, एंड डिक्रीजमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें Ag प्लस आयन का रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करने के बाद ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर मेटल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, कॉपर आयन से कॉपर मेटल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीजमेंट हुआ है, और डिक्रीजमेंट होने से ये इस कॉपर आयन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जिस भी एटम्स का रिडक्शन हुआ होगा, चाहे Ag प्लस हो या फिर CO2 प्लस हो, जिसका रिडक्शन हो गया होगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होगा वही स्पेसी इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ऊपर के केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, Ag प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। Cu2 प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। तो इस केमिकल रिएक्शन में Ag प्लस का क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से इसका रिडक्शन होगा, तो ये स्पेसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा।
एग्जांपल देख लेते हैं हम, ए जी प्लस ऊपर के रिएक्शन में एंड सी यू टू प्लस, ये दोनों का दोनों स्पेसिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ओके थैंक यू।